नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश एसके डिवाइस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, अगर आप क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पे सेंस के बारे में। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है, पे सेंस जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप 5,000 से 2 लाख तक लोन लेने का जो प्रोसेस है पूरा, इसमें आपको यहाँ पे लाइव बताने वाला हूँ। एग्जैक्ट आपको सभी स्टेप्स बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको करना और कैसे कैसे आपको ये लोन मिल जाएगा, कितना टाइम लगता है लोन आने में, कितने मतलब टेन्योर के लिए आपको लोन मिल सकता है, ईएमआई क्या होगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको क्या पे करना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरे को बहुत बढ़िया इनकी चीज़ लगती है। आज आपने लोन अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए, स्कैंड कॉपी, और जैसे ही स्कैंड कॉपी आपने अपलोड कर दिया, उसके 2 से 5 घंटे के अंदर अंदर जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है पेसेंस की तरफ से। सपोज किसी भी तरह की आपको इमरजेंसी आन पड़ी है, चाहे हॉस्पिटलाइज हो गया कोई भी आपका फैमिली का मेंबर, शादी है, एकदम से पैसों की जरूरत आन पड़ी, उस टाइम पे ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपने इस ऐप को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना होता है। उसके लिए ऐप का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से ये आप इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। जैसे ही ऐप को आप ओपन करते हो, बिल्कुल इस तरह का पेज आपके सामने आपके फ़ोन पे आएगा, जहाँ पे इनके बारे में सारा आपको लिखा होगा। टोटली ये जो लोन है पेपरलेस है, किसी भी तरह से आपको किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे ना तो भेजनी है ना ही कुछ करना, बिल्कुल पेपरलेस है, बिल्कुल आपके मोबाइल फोन से सारा का सारा होने वाला है। ऐप को ओपन करने के बाद जैसे ये पेज आएगा, हमने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऐप को आपकी क्या क्या परमिशन चाहिए, लोकेशन चाहिए, एसएमएस चाहिए, कॉन्टैक्ट ये करेंगे, फोन कॉल हिस्ट्री, ये सब आपने देख करके उसके बाद में ओके लेट्स गो वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमने अलाउ करना है, ये इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे एक पर्सनल असिस्टेंट मिल जाता है हम लोगों को, पर्सनल असिस्टेंट जो हमको गाइड करेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमसे ये बोल रहा है कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले पे क्लिक किया, उसके बाद में अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे वो बैठा है हमारा पर्सनल, उसने आप टॉप पे देख सकते हो। खैर उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर हो। तो मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल दिया सुरेश, लास्ट नेम है मेरा कुमार, मैंने यहाँ पे कुमार डाल दिया, ओके किया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ, 04051993, ओके। उसके बाद मैं जेंडर सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और इस मोबाइल नंबर पे हमको ओटीपी आने वाला है पेसेंस की तरफ से। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल एड्रेस सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड किया। उसके बाद में यहाँ पे इनकम डालनी है, इनकम डालने के बाद पैन नंबर डालना है, पैन नंबर के बाद करंट एड्रेस का पिन कोड डालना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद जो आपके पास पेज आएगा सामने, उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने डाटा दिया उसको दिखाएगा, फिर कंफर्म करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ से ओटीपी आकर के वेरीफाई होगा, ओटीपी यहाँ से ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। उसके बाद में फिर से हमने कंटिन्यू पे करना है, और उसके बाद में ये हमारी एलिजिबिलिटी बता देगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज आपके एलिजिबिलिटी में बताएगा, आपको क्रेडिट लाइन मिल जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा। उसके आगे यहाँ पे मैं लाइव आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि हालांकि मेरे को लोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो स्टेप्स आगे होने वाले हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे अभी जस्ट बताने जा रहा हूँ। अब ये जो पेसेंस का ये जो पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, उसकी एलिजिबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? अगर तो आप सैलरीड हैं मेट्रो सिटीज में, अगर आपकी सैलरी मंथली 15,000 है या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे एलिजिबल होते हो आप। अगर आप मेट्रो सिटी से अलग हैं, छोटे शहरों में से हैं,
तो वहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है 12,000 अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनकम आपकी अच्छी खासी है तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हो। एक यहाँ पे चीज़ ये है, जो आप पैन डालोगे पैन से आपका पूरा मतलब क्रेडिट्स हिस्ट्री आपकी यहाँ से चेक हो जाती है। अगर आपकी सिबिल नहीं है नो प्रॉब्लम, सिबिल का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने पहले बहुत सारे लोन ले रखे हैं जिसको आपने पे नहीं किया, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा कोई सीन होगा तो आपको यहाँ से भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तभी होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट के स्टेप्स में आप जैसे ही बढ़ोगे, जो आपने इनकम बताई है वो उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट एंड सही फिल कीजिए, नहीं तो आगे चल करके आपका लोन हो जाता है रिजेक्ट। तो एलिजिबिलिटी जैसे ही आप पहुंचते हो आपको क्रेडिट लाइन मिल गया कि आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने का लेना है। अगर आपको 1,00,000 का क्रेडिट लाइन मिल गया तो इसका मतलब नहीं आपने उतना ही लेना, आपकी मर्जी, चाहे तो 10,000 ले लो चाहे तो 50,000 ले लो, जो भी अमाउंट आपने लेना है वो आप वहाँ पर डालोगे। उसके बाद में पेसेंस आपको क्या करेगी, 2-3 अलग अलग ईएमआई की ऑप्शंस दे देगी। टेन्योर आपको बता देगी कि आपको कितने मंथ्स के लिए ईएमआई चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको पता चल जाएगा। और जो इनका एवरेज इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 16% से लेकर के 18% तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इनके पर्सनल लोन के ऊपर। उसके बाद में आपने अपना लोन प्लान सिलेक्ट कर लिया। लोन प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब टर्न आ जाती है आपको अपना आईडी प्रूफ करने का। आप वहां पे अपना आधार नंबर देना होता है, अगर आप चाहो तो अपना वर्चुअल आईडी भी दे सकते हो, जो कि अगर किसी को डाउट होता है कि मेरा आधार लीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप डाउट है तो आप अपना वर्चुअल आईडी भी दे सकते हो अपने आधार की जगह पे, वो डालना है आपको। उसके बाद में एक जो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगी, आपको एक सेल्फी खींच करके अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद में आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, बैंक स्टेटमेंट की आपको कॉपी देनी होगी, सैलरी आपको वेरीफाइड होगी वहां पे। और यहाँ पे जो एड्रेस प्रूफ है, कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रूफ्स होते हैं आधार कार्ड वगैरह वो किसी और लोकेशन को, तो लेकिन हम जॉब कहीं और कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रेंटल एग्रीमेंट का वहाँ पे आपको प्रूफ अपलोड करना होता है, वो आपने कर देना है। फिर आपने बैंक डिटेल्स देना है, जैसे ही आप बैंक डिटेल दोगे उसी बैंक डिटेल में आपको लोन का अमाउंट आएगा और उसी बैंक डिटेल से आपकी लोन की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट होगी। उस चीज़ के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप बैंक डिटेल दोगे पेसेंस आपके बैंक में 1 रुपया ऐड करेगी सिर्फ वेरीफाई करने के लिए जो आपने अकाउंट दिया वो सही है या नहीं, ठीक है। तो वो सारी वेरिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस रहेगा। ऐसे ही अपना बैंक डिटेल्स भी आपने डाल दिया, बैंक भी आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद में लास्ट स्टेप आता है ई साइन का, जहाँ पे आप सिग्नेचर करते हो ई साइन, तो सिंपल था कि डिक्लेरेशन फॉर्म टाइप में रहेगा, वहाँ पे आपने साइन करके मीन्स सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर देनी है। वहाँ पे पूरा आप अपने उनको अथॉरिटी दोगे कि आपके बैंक अकाउंट में से जो आपका ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट होना चाहिए, बस आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। अगर सब कुछ आपने सही तरीके से कर दिया, जैसे ही आपने उसको सबमिट किया, वर्किंग आवर्स की बात कर रहा हूँ, 2 से 5 घंटे के अंदर अंदर जो लोन अमाउंट आपको अप्रूव हुई थी, जो आपने सिलेक्ट किया था, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसको आप निकालिए, जिस काम के लिए यूज करना है कीजिए, बस जो भी आपकी सैलरी अकाउंट है कुछ भी है तो वहां से ईएमआई पे करने की कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। और एक बार जैसे आपका लोन कंप्लीट होगा, जब दूसरा लोन आप लेना चाहोगे कंप्लीट होने के बाद, वो बड़ी आसानी से आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत सिंपल स्टेप रहेंगे उसमें। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे किसी भी इमरजेंसी में आपको लोन की जरूरत है तो यहाँ पे पेसेंस को याद जरूर कीजिएगा। इसका लिंक है, ब्लॉग का लिंक आपको सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन की मिल सकती है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी है, फिर भी कुछ पॉइंट्स आपके मन में है, डाउट्स है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी क्वेरीज को डालिए और आपके हर एक क्वेरी की रिप्लाई करूंगा मैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज से अवेयर हो सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियोज आप तक पहुंच रहे हैं सबसे पहले। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।